जम्मू कश्मीर में बीजेपी पर माता रानी की कृपा बरसी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भाजपा से बलदेव राज शर्मा ने जीत दर्ज की है। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 13,753 वोट मिले हैं। इस सीट पर दूसरे स्थान पर निर्दलीय जुगल किशोर रहे, उन्हें 11,372 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह को 4,582 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी सीट काफी अहम मानी जा रही है। परिसीमन के बाद 2022 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर 25 सितंबर को वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कई नई विधानसभा सीटों का निर्माण किया गया था, जिनमें श्री माता वैष्णो देवी सीट भी शामिल थी। ये सीट विशेष रूप से इसलिए भी चर्चा में रही है क्योंकि इसका नाम रियासी स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी मंदिर के नाम पर रखा गया। जानकारी के मुताबिक इस निर्वाचन क्षेत्र में करीब 73,000 से अधिक मतदाता है, जिनमें 23% अनुसूचित जाति है, जबकि 15% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कई नई विधानसभा सीटों का निर्माण किया गया था, जिनमें श्री माता वैष्णो देवी सीट भी शामिल थी। वैसे भी ये सीट विशेष रूप से इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि यहां माता के भक्त सालों पर दर्शन करने आते हैं। इस इलाके में विकास का काम काफी अहम माना जाता है।